पांडे अग्रह बात चली आगे हुई। तो काम क्या था कि भाग भाग बोलने वाला जो था वो गोवे चराने जाता था और यह रोड बनाकर खिलाता था। तो वहां बात एक दिन क्या हुई कि रोज रविवार के दिन आने के बाद सुबह ही गोवों को लेकर चलाया जाता था और रात में आने के बाद अपने रोड का प्रसाद दिया होता था। लेकिन गलती से एक दिन क्या हुआ, रोड बांटते बांटते रोड समाप्त हो गया और रोड नहीं रखा। जब ये रात में आए भाग भाग तो उन्होंने कहा मेरा प्रसाद कहाँ है, तो उन्हें कहा गलती से भाई रोटी बांट दिया है, नहीं हुआ। ठीक है, पहले रविवार ऐसा हुआ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन दूसरे रविवार में भी ऐसा ही हुआ, प्रसाद नहीं रहा। अब तीसरे रविवार में जब नहीं रहा तो उनका सर टंका माथा टंका, बोले तू भोला बोल के मुझे प्रसाद नहीं दे रहा है, अब देख तू मेरे मुझे प्रसाद नहीं दे रहा है, इसका तू समझता क्या है, तुझे मैं प्रसाद नहीं प्राप्त कर सकूंगा। अरे ऐसे प्रसाद तो मैं कितने भी तैयार कर सकता हूँ, मुझे मेरे पर गुरु कृपा है। और उन्होंने एक छोटा पत्थर का टुकड़ा लिया और ऐसा फेंक दिया, फेंक के ही देखते हैं वो रोड का टुकड़ा बन गया। मैं बोले इस तरह मैं प्रसाद को सिद्ध कर सकता हूँ, तो ने क्या तू क्या प्रसाद सिद्ध करता है, तू इस रोड के टुकड़े की बात करता है, तू ये प्रसाद यहाँ दे ले, यहाँ कुछ भी कर ले, मैं तो गुरु पादुकाओं को लेकर चला, देख अब मैं कैसा करता हूँ। उसने एकदम एक पहाड़ को ही टुकड़ा बना दिया और पहाड़ के ऊपर गुरु पादुकाएं ली और आकाश में उड़ गया। अब ये जो भातना देखते रहा और भूसा रात भागते हुए चला गया। जब इन दोनों का द्वंद्व चला, गुस्से में युगों में आकर दोनों भी लड़ने लगे, तो ये बात गोरक्षनाथ को मालूम। गोरक्षनाथ को जब मालूम हुई तो ये आकाश में उड़ते जा रहा था, क्योंकि ये जगह देखकर अच्छी जगह अपना अपना स्थान बना ले और अपने गुरु पादुकाओं पर रोटी बना लेकर रोड बनाकर गुरु कार्य करें। तब गोरक्षनाथ आया और उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोले प्रभु वो मेरे से रोज झगड़ता है, एक दिन प्रसाद नहीं किया तो उसको उतना गुस्सा आया और उसने मुझे बड़ी भरी भरी बातें कही, इसलिए मैं मेरे पादुकाओं को लेकर मैं आगे जा रहा हूँ। बोले आकाश में उड़ रहा है, नीचे कैसे उतरेगा। उन्होंने देखा कि नीचे खाई है, पानी है, समुद्र है, नीचे उतरेगा कैसे, अब कैसा होगा। हाँ प्रभु कैसे होगा, वो तो बाहर खड़े हैं, गोरखनाथ कह रहे हैं किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना होता है, गुरु के नाम पर झगड़ते हो, गुरु के नाम पर झगड़ कर इस सारी चीजों को करते हो, देख अब तो तुझे मैं यहाँ छोड़कर चला गया तो तू कहीं का नहीं रहेगा, जैसे कृष्ण का स्वर्ग था वैसे ही रह जाना पड़ेगा, न यहाँ कोई आ सकेगा न तू यहाँ से उतर सकेगा, पहाड़ तो ऊपर ही ऊपर है। तब उन्होंने गोरक्षनाथ के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि मेरे से गलती हो गई, अब आप ही मुझे बसा दो जहाँ बसाना है। तो गोरक्षनाथ ने कहा एक बात बता दे, तेरे गर्व के हरण करने को ये पहाड़ जहां भी उतरेगा, अगर वो सीधा उतर गया तो समझ ले उस पहाड़ पे कभी अन्न नहीं फटेगा और उसको चोरी हो जाएगा, और ये अगर टेढ़ा होकर उत्तर की तरफ झुक गया तो यहाँ भक्ति का मार्ग नहीं होगा, मेरे पूजा करने वाले नहीं होंगे, और दक्षिण की तरफ झुक गया तो तू यहाँ होगा और गुरु पूजा होगी। उसने कहा प्रभु फिर आप ही निर्णय करो कैसा करना है। बोले तू जब यहां से पहाड़ लेके आए तो तू बता दे तुझे क्या करना है। उसने कहा कि प्रभु ऐसा करो, अगर ये दक्षिण की तरफ झुक के जाता है मैं उसके ऊपर बैठता हूँ तो मेरा भाई यहाँ आकर फिर मेरे से झगड़ा करेगा, और सीधा सीधा उतर जाता हूँ तो आप कहते हैं चोरी होगी तो यहाँ ना बचेगा ना किसी को दे नहीं सकूंगा, इसलिए इस पहाड़ के ऊपर ऐसी गलती का कारण हुआ, यहाँ आपके धर्म को न मानने वाला और कोई ना आने वाला ऐसा ही व्यक्ति हो, केवल मैं आपके धर्म को मानने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह जाकर रहूंगा और ये गलती का एहसास ये पहाड़ दिलाएगा कि जो गुरु भक्ति नहीं करता वो क्रूर बनता है, वो राक्षस बनता है, उसका धर्म नहीं होता, इसलिए इसको उत्तर की तरफ ही झुका दो। और उस पर्व की स्थापना उत्तर की तरफ झुका कर दी और उसको आज भी टीला के नाम से जाना जाता है। वह टीला पंजाब से 60 किलोमीटर की दूर पर आज भी वहां के किंवदंतियों में यह गाना गाया जाता है कि टीला गोरक्षनाथ भूसानाथ और भारतनाथ के झगड़े में टीला का स्थापना हुई और वह टीला जहां पड़ा वो आज का परशुपुर यानी पेशावर है और पाकिस्तान है। अब आगे मैं कहने की जरूरत नहीं कि धर्म की स्थापना हमारी कैसी हुई और क्या हुई और क्या चल रहा है, इस तरह के धर्म की स्थापना
घटना हुई जो इन दोनों के झगड़े के कारण और हमारा धर्म वहां से चला गया और धर्म की स्थापना होने एक गुरु के तत्व को हम ना कहेंगे तो हम ये सारी झगड़े होंगे। हम गुरु के नाम पर जब झगड़ते हैं तो तुम लोक कल्याण की जगह लोगों का कल्याण या अकल्याण करते रहते हो। इसलिए कभी अपने अहंकार में जाकर कभी गुरु कार्य में अहंकार को लाने मत दो और अहंकार के कार्य से कार्य मत किया हो। बाद में इन दोनों को लेकर जब उन दोनों ने अपनी क्षमा मांगी तो इन दोनों को उन्होंने सिद्धवन यानी सिद्धाश्रम में ले गए और वहाँ उनकी स्थापना की। आज भी आसाम हुआ है कि लोग वहाँ जाते हैं और सिद्धाश्रम की स्थापना होगी। मेरा कहने का अर्थ ये था कि हम गुरु के वचनों को जानकर गुरु के वचनों को लेकर जब तक नहीं चलते गुरु की आज्ञा जब तक नहीं मानते हम सिद्धवन पहुंच नहीं सकते सिद्धार्थ जा नहीं सकते या गुरु को प्रसन्न नहीं कर ले सकते। गुरु के नाम पर भी हम अगर झगड़ते हैं तो अकल्याणकारी ही है उसको कल्याण उनका कल्याण नहीं हो सकता। वो कार्य लोक कल्याण करें स्वतः कल्याण भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें अगर सिद्धाश्रम में जाना है तो पहले हमारे अहंकार को छोड़ना होगा हमारे गुरु के वचनों को मानना होगा और गुरु के वचनों को मानकर चलना होगा। ऐसा पथ जो चला बाद में उन्होंने यही भास नाम को भूषा नाम को और भात नाम को आई नाम के पथ को चला। आज भी वो आई पंथ वहां चलता है जो मानते हैं इस पथ को गया था और यही पथ के लोग आज दत्त पंथ गिरनार में भी पाए जाते हैं। इस पथ के लोगों के साथ अगर हम एक बार भी उनका दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं कि माता पार्वती और शिव जी का दर्शन होता है और वो इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में अगला जन्म उनका ऐसा होगा कि वो निश्चित रूप से सिद्धाश्रम पहुंचेंगे और उनको शिव कृपा प्राप्त होगी होगी और शिवरात्रि के दिन हम रहते हैं। यही कारण है मैंने इस बार शिवरात्रि के दिन गिरनार पर्वत पर यह शिवरात्रि मनाने का निश्चय किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ जो गुरु जी की इच्छा थी उसके लिए अब कितने लोग हैं जो दस महाविद्याओं में तीन महाविद्याएं सिद्ध किए हैं कितने लोग इन महाविद्याओं में सिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा सा रास्ता है तो कम से कम उन सिद्धों को देखकर उन सिद्धों के हाथ को पकड़कर हम सिद्धाश्रम पहुंचे। मेरा प्रयत्न हर बार यही रहा है कि आपको उस गुरुवचनों को लेकर हम आगे चले निखिल चेतना के लिए कार्य करें कि हमारे लोग सिद्धाश्रम के मार्ग पर कम से कम हम कदम रखते हैं तो आगे का काम गुरु हाथ बढ़ाकर हमें खींच लेंगे हमें आगे ले लेंगे ही ले लेंगे। अगर हमारा उद्देश्य सीधा है हमारे उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं हम आज तो उद्देश्य छोड़ दिए हम क्या कहते हैं केवल गुरु के पास आते हैं तो गुरु जी मेरे बेटे की शादी नहीं मुझे नौकरी नहीं लगी मेरे को पैसा नहीं मिला मेरा घर नहीं बंधा मेरा मुझे वो बीमारी है इसके कारण ही आते हैं लेकिन गुरु जी के वचन को लेकर नहीं आते कि गुरु जी किसके यहाँ उनका जन्म हुआ था और किस सिद्धाश्रम के लिए उनका जन्म हुआ था। कम से कम मैंने ये नहीं कहता कि तुम्हारे समस्याओं को मत पूछो समस्याओं के साथ एक गोल भी एक लक्ष्य भी रखो कि हमें सिद्धाश्रम पहुंचना है और उसके लिए क्या करना है। अब तक तो बहुत 20 साल हो गए मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ या कुछ करके भी जा रहा हूँ हर बार यही ना मुझे पैसा नहीं है घर मांग रहा हूँ बीच में रुक गया कार खरीद रहा हूँ बच्चे पैदा नहीं हुए शादी नहीं हुई यही कार्य चलता है। एक बार आप सिद्ध तो बन जाओ आपका कल्याण भी आप हजार लोगों का कल्याण कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने सिद्धाश्रम की स्थापना करते हुए सिद्धाश्रम में आगे जाने की और निरोगी काया की बात कही थी वो योग था उसे शिव योग कहा जाता है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जब मैं उंगली पकड़कर कहीं आपको ले जाता हूं तो आप मेरे साथ आओ। मैं कहता हूं कि परमपिता सतगुरुदेव जी को जरूर सिद्धाश्रम के मार्ग पर जाकर पुकारूंगा और कहूंगा कि प्रभु आपने कहा है इस मार्ग पर मैं इन लक्ष्मी को लेके आया आप हमारे को एक बार सिद्धाश्रम का दर्शन करवा दो और हम आगे चलेंगे। हम कोई दस महाविद्या सिद्ध नहीं कर सकते हमारे को दस महाविद्या सिद्ध करने नहीं आता आप सिद्धों के हाथ से हमें ले जाओ। अगर एक लाइसेंसर पर्सन है गुरु जी भी कहा करते थे कि गुरु जी ने अंग्रेजों को भी जो ऐसे साइंटिस्ट थे उन लोगों को जब गुरु जी के चरणों में आए और उन्होंने गुरु जी को नमस्कार किया और कहा कि क्या सिद्धाश्रम आज भी विराजमान है और सिद्धाश्रम में कैसे जाया जाता है तो गुरु जी ने कहा दस महाविद्याओं में तीन महाविद्या सिद्ध होती है तो वहां में वहां प्रवेश मिलता है। तो उन्होंने कहा दस महाविद्या प्रवेश करना दस महाविद्या सिद्ध नहीं हो सकती हम नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई सिद्धाश्रम का सिद्ध अगर अपना हाथ पकड़ कर ले जा सकता है तो वो लाइसेंस होल्डर होता है तो उनको लेकर सिद्धाश्रम का दर्शन करवा के आ सकता है। और गुरु जी ने आप अगर 1986 की पत्रिका देखें तो गुरु जी ने कहा है वहाँ तीन अंग्रेजों और दो हिंदू प्रोफेसरों को गुरु जी ने अपना हाथ पकड़ कर उनको सिद्धाश्रम ले गए थे और तीन दिन वहाँ वास करके उनको लौटा।
लौटा कर लाए थे, एबीसी की पत्रिका में, 1986 की पत्रिका में लिखा हुआ। मैं आपको यही कह रहा हूं, आप गुरुजी के मार्ग पर चलते हुए हम आगे बढ़े, हम प्रयत्न तो करें कि हम आगे किस प्रकार जाएं, हमारी काया को निरोगी काया कैसे बनाए। एक बार अगर हम सिद्धासन पहुंच कर एक बार उसकी धूल को भी अपने माथे पर लगाते हैं तो हमारे को दशमाविद्या सिद्ध सारे सिद्ध दिखते हैं और हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहेगी। हम कामधेनु को कंठ को सिद्ध करना करवाने वाले कहलाए जाते हैं। तो मैं इस वर्ष यही प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कहता हूँ प्राकृतिक दृष्टि से तो आयु तो मेरी भी हो रही है, मुझे भी साधना करनी है, मुझे भी आगे लेकर चेतना केंद्र का काम करना है। कल तक जिस किस तरह भी जो भी कार्य करता रहा लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए गुरुजी के लिए क्या है। आज हम जोधपुर में गुरुजी का मंदिर नहीं है, गुरुजी को देखने वाले कहीं नहीं, कहीं कहीं छोटे छोटे मंदिर रखे हुए हैं तो गुरुजी की मूर्ति रखी हुई है, क्या इससे सिद्धार्थ की प्राप्ति होगी? हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हम सिद्धार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं? इसलिए मैंने ये ठान लिया है कि आने वाली पीढ़ी भी अगर कोई ऐसा मंदिर बने जहाँ दशमाविद्या जहाँ गुरु जी ने की हो और ऐसी गुरु जी की स्थापना हो जहाँ साधना करने पर उसको दशमाविद्या सिद्ध हो और गुरु जी वहां से उसको सिद्धाश्रम ले जाए, आने वाली पीढ़ी ये देखे, ऐसा ही मंदिर नित्य चेतना केंद्र हैदराबाद में स्थापना करने की मैंने ठानी है। और नीचे आज काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर नया बनाया जा रहा है, उसको उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। जो वहाँ के शिल्पी हैं उन शिल्पियों को भी मैंने पूछा कि आगम शास्त्र के विधान से गुरु मंदिर बने, दशमाविद्याओं का मंदिर बने और ऐसा मंदिर जो संसार में फिर दूसरा ऐसा मंदिर बनने की चेष्टा ना हो, ऐसा मंदिर बने और गुरु जी की प्रतिष्ठा हो। जो उस मंदिर में अगर एक बार भी गुरु मंत्र जप कर लें या साधना करें तो उसकी इच्छा पूर्ण हो और वो सिद्धार्थ पहुंच सके, ऐसा मंदिर मैं बनाना चाहता हूँ। परमपूज्य सद्गुरुदेव जी हंसे कि पहले तो निखिल चेतना केंद्र होना ही बड़ी मुश्किल है, मेरे पास तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो होना है, लेकिन एक मन कहता है तू साधना कर। जैसे गुरु ने कहा है अगर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो जोशी तेरे आंगन में भी नाचेगी, अगर मेरे आंगन में नाचेगी तो गुरु मंदिर जरूर होगा। लेकिन आपको उस मार्ग पर ले चलने वाला एक आदमी हो
उस मार्ग पर चलने वाला आदमी हो और प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको मैं उस मार्ग पर ले चलूं। अब उसका पहला कदम हमने रखा गिरनार पर्वत आशुरी शिवरात्रि में और दूसरा कदम रखा है हम कांचनजंगा। कहते हैं कांचनजंगा में जब वहां हम हैं तभी पूर्णिमा के दिन से होने वाले क्रियाएं वहां चलती है और वहां एक पेड़ जो सूर्य मार्ग से आता है वहां बाबा योगावतार बाबा महावतार के साथ एक संत मंडली वहां बैठती है और बैठकर वो रात में चर्चा होती है साधनाएं होती है और भूमंडल पर होने वाले जितने भी प्रकृति विरुद्ध कार्य है उसका प्रभाव पहले भारत पर ना पड़े इसके लिए वहां विचार विमर्श होता है। और वो सुबह के समय में वो फिर पेड़ के साथ गायब हो जाते हैं, कर्तपुरुष गायब हो जाता है, साधु संत सब गायब हो जाते हैं। हम जिस कांचनजंगा पे जा रहे हैं अभी आपको नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं आपको जिज्ञासा के कारण बता रहा हूँ क्योंकि गुरु ने ये बात मुझे कही थी। जो श्री तेरा पूर्वजन्म का संबंध मेरे साथ है और कांचनजंगा के पास मैंने कुछ वस्तुएं रखी है, मैंने तब भी गुरु जी कहा था गुरु जी मेरे को किसी ऐसे भ्रम में ऐसी आशा में ऐसे मोह में मत डालो ताकि मैं उस मोह में आपको भूल जाऊं। मुझे ऐसे केवल आपकी चरण चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, ये बात मैंने गुरु से कही थी। लेकिन जब आने वाला कल देख रहा हूं अगर मैं ऐसा ही करके जाऊं तो आप सब लोग या भाई दत्तु हो या मेरे पुत्र हो पुत्री हो सब लोग पिताजी तो इतनी बड़ी इतना बड़ा कार्य करके चले गए, अब इसको कौन संभालना कैसे संभाला जाएगा कौन संभालेगा, यह प्रश्न तो हर एक को उठता है। आगे इसका क्या होगा तुम्हारे पास, जब गुरु जी आए चले गए तो मैं भी आया चला जाऊंगा, कल इधर चेतना के तुमको कौन चला है? किस तरह हो? इसके लिए मैंने सोचा है कि गुरुमूर्ति की स्थापना हो और उस गुरुमूर्ति अपनी श्रद्धाओं के बल पर आश्रम चले, जो चमदग्नि आश्रम हो जो वशिष्ठ का आश्रम हो, ये आश्रम कैसे चलते थे कामधेनु के बल पर कल्प वृक्ष के बल पर, वहां केवल जाने के बाद ही उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी, ऐसा कार्य होता था। अगर मैं वहां गुरु जी की स्थापना करता हूं तो मेरे आश्रम में भी कामधेनु और कल्प वृक्ष होंगे, आने वाले 500 साल के जो भी आएगा किसी को एक पैसा खर्चा करने की खर्चा करना या वहां की प्राप्त करने की आप जो भी चाहेंगे वहां आपकी इच्छा पूर्ण हो या वहां चलने के लिए किसी को कष्ट उठाना ना पड़े, यह ध्येय लेकर चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपका ध्येय भी ऐसा हो, आपके पुत्र आपके पौत्र आपके घर वाले आप रहे या न रहे आप साधना को जाए या मेरे साथ सिद्धार्थ वहां जाए वो कहे कि हमारे पिताजी ने या हमारे उसने हमारे लिए भरपूर देके गया है, हमारे को किसी को प्रकार की कमी नहीं की, मेरा बाप या मेरा पिता मेरा नाना मेरा दादा उसने प्रभु सतगुरु स्वामी विघ्नेश्वर जी के मंदिर को बनते हुए देखा है, उसके एक एक ईंट को उन्होंने ढोया है उसको देखा है, आज नहीं तो कल 100 साल के बाद बोल लेंगे कि इनके चेतना केंद्र की ईंट और हमने गुरुजी को देखा है तब खुशी है। यही बात प्रभु जी सतगुरुदेव जी ने कहा कि जोशी मेरे बाद मेरे मंदिर बनाए जाएंगे, घंटे घड़ियाल बजाएंगे, रोज आरती होगी, लेकिन मैं जिंदा हूं मुझे पहचानने वाले लोग नहीं, मैं बहुत पैर में क्या हूं, कभी कभी दुख होता है कृष्ण को रहते हुए किसी ने नहीं पहचाना, गोपिकाएं माँ सब लोग डांटती रही, शिशुपाल जी साथ में गालियां देते रहा, उसको कोई पहचाना नहीं जब कृष्ण था, लेकिन कृष्ण चले गया तो आज उसकी पूजा है, आज स्वामी कृष्ण चले गए कृष्ण जी चले गए आज उनके मंदिर बन रहे हैं, उनकी बात सच है। लेकिन ये गर्व के साथ हम आज कहते हैं कि मैंने उस कृष्ण जी को देखा है, मैंने उनके चरण धोए हैं, उनके चरण को छुआ है। और गुरु जी ने कहा था अगर केवल ये बात आने वाली पीढ़ी को कह दे कि मैंने कृष्ण जी को देखा है उनके चरण छुए हैं तो लोग तेरे चरण छुएंगे या वो दिन भी आएंगे। आपका आज का कार्य आपने घर बांधा है, बच्चे को इंजीनियर किया है, बच्चे को डॉक्टर किया है, पोते पोती हो गए हैं, इसको आने वाले पीढ़ी आपका पोता या आपका बेटा आपको संस्मरण नहीं करेगा, आपको संस्मरण करेगा कि आप जिस दिन कहेंगे कि हमने इस चेतना केंद्र के ईंट को या एक झोपड़ी थी ये मंदिर बनते हुए हमने देखा है या हमने सेवा की या हम रह के गए तो आपके चरण नाच गए आने आने से भी तो मेरा नाम नहीं कहना कि जरूर होगा। हम ऐसा कोई कार्य करें कि आने वाली पीढ़ी याद रखे, आने वाला दिन याद रखे, और उसके लिए गुरु ने हमें मार्ग बताते हुए कहा था कि सिद्धाश्रम प्राप्ति की साधना
सिद्धाश्रम में तुम पहुंच जाओ, सिद्धाश्रम में तुम देखो कि आगे क्या करना है। सिद्धाश्रम के सिद्ध योगी ऐसे थे कि जो असंभव कार्य को संभव करते थे। मैंने ऐसा अभी कहा आपको, ये एक राजा था और उसकी पत्नी का नाम था विमलावती। उसको एक पुत्र हुआ, बाद में उस राजा ने दूसरी शादी की। तो जिस दिन राजा अपने पुत्र को कहा कि बेटा तुम श्रेष्ठ रूप से राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो गए हो, अब राज्याभिषेक कर लो और तुम राजा बन जाओ, मैं वन प्रतिशत लेने के लिए जाऊंगा। तो इतना सीधा साधा था, वो अपनी माता को नमस्कार करने से पहले अपने सावत्र जो दूसरी माता है उनको नमस्कार करने के लिए गया और उनके चरण में जैसा ही झुकना चाहा, उसकी ये ठीक नहीं थी। उसने कहा कि तू मुझे माता कहकर पुकारना नहीं चाहिए, तू और मैं समवयस्क है, एक ही वय के हैं हम, तेरे पिताजी ने मेरी शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी आयु वाली हो गई, तेरा और मेरा वय है, तू मेरे से संबंध बना। ये बात सुनकर उसको दुख हुआ कि माँ जिसको मैं पूजनीय दृष्टि से देखकर नमस्कार करने के लिए आया और कि वो जब उसके हाथ पकड़ने गई तो हाथ झटक के चला गया। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत नाराज होकर अपने माँ के पास आया, माँ के चरण छुए और राज्याभिषेक के लिए जैसा ही जाने की क्रिया किया, तब राजा ने उस सावंत माँ को बुलाया कि अब आज पट्टाभिषेक है तो आ जा। तो राजा जैसे ही उसके पास दूसरी रानी के पास गया और उसको बुलाने गया तो वो अपने सारे बाल नोच कर बैठी थी, साड़ी फाड़ कर बैठी थी, नाराज हो रही थी जोर जोर से। राजा ने पूछा क्या हुआ? तो बोलता रही थी तेरा जो बेटा है वो आज मुझे मिलने आया था और उसने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली और मुझे सब ऐसा करके बर्बाद करके चला गया, देख मेरी हालत क्या बनी है, कैसा कर गया और तुझे राजा बनाएगा तो कल मेरी हालत क्या हो जाएगी। जब राजा ने बात अपनी दूसरी पत्नी के पास सुनी तो कहा बेटे को बुलाया और कहा तू इतना दुष्ट है, इतना खराब है, उसको बोलने की एक भी समस्या नहीं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा किसके हाथ पैर काट दो, इसको जंगल में डाल दो और मेरे पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उसके दोनों आंखें भी निकाल कर मेरे पत्नी के सामने लाकर रख दो। सैनिकों की आज्ञा हुई, गए, उन्होंने उनके हाथ पैर काट दिए, उसको एक बहुत पुराना कुआं था उसमें डाल दिए और उसकी आंखें निकाल कर रानी के पास लेके आकर बता दिया कि रानी ने देखा हाँ यही आंखें हैं और उसने कहा कि इस आंखों को जला दो। वो संतुष्ट हो गई, उसकी माँ को भी जेल में डाल दिया गया, कैसे पुत्र को तुमने जन्म दिया, वो दोनों रहने लगे। बात ये भी कि वहाँ से गोरक्षनाथ जी गुजरते हुए आए और उन्होंने एक नाटक किया कि भैया कुआं है, कुएं में पानी है तो जरा लेके आ, उसी कुएं में वो राजकुमार पड़ा हुआ था। तो उनका शिष्य आया और देखा, अरे नहीं नहीं गुरु जी उसमें पानी नहीं है, मैं देखता हूँ तो कोई दरार आ रहा है अंदर पड़ा हुआ है। तो गोरक्षनाथ ने कहा उसी के उद्धार के लिए मैं यहाँ आया। तो बोले उसको उठा के लाओ, प्रभु बॉडी में उतार कर उसको लाने नहीं आता। गोरक्षनाथ आ गए और अपने हाथ को बॉडी में इतना लंबा कर दिया कि उसको उठा कर ऊपर लाए और अपनी गोदी में बिठा लिया और उन्होंने अपने धुनी का निकाला हुआ भस्म निकाल कर उसके अंगों को लाकर जोड़ दिया और उसको श्रेष्ठ जीवंत कर दिया। उसके आंखें लाए, उसके हाथ पैर लाए, सब लाए और उसको जीवंत कर दिया, उसको प्राणापन्न कर दिया, प्राण से श्रेष्ठ कर दिए। जब वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, मैं तो आपके चरण में अपनी सेवा में बैठ जाता हूँ। उसको सारी सिद्ध विद्याएं सिखाई, विद्याएं सीखी और उस विद्या को सीखने के बाद वो कहने लगा कि प्रभु अब आप मैं आपके चरण छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरा एक कर्तव्य बनता है, तेरी माँ जेल में पड़ी हुई और वह रानी जिसने तुझे अन्याय से शिक्षा दी है, तो एक बार जाके उसको उसका प्रायश्चित करवा के आ, मैं तुझे भेजता हूँ, यहीं पर माँ को आया यहीं रह। वो वहां गया, राज्य में गया और बैठकर जब देखा कि ये बहुत बड़ा संत है तो उसकी माता ने पहचाना नहीं और वो राजा के पास आकर कही, हे महान संत, आप कोई भी महान आदमी हो, हमारे को संतान पुत्र नहीं हो रहा है,
अब आशीर्वाद दे कि कुमार को पुत्र हो। तब उन्होंने कहा, हे माते, आप जो कोई भी है, एक बात आपको कह रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि आपको एक पुत्र था, उसका क्या हुआ? राजा ने कहा, वो पुत्र दुष्ट था, इसलिए मुझे मार दिया। अगर ये बात जो सच्चाई है, ये माता अगर कहती है कि वो दुष्ट था और वो मर गया है, वो जो सत्य बात बताएगी तो इसको संतान में जरूर दूंगा। पुत्र की मौत में उसने कहा, प्रभु आज मुझे क्षमा कर दो, वो दुष्ट नहीं था, मैंने इसके ऊपर निंदा डाली थी और उसके हाथ पैर कटवा दिए थे। राजा को बहुत क्रोध आया, कहा मेरे इतने अच्छे पुत्र को तूने ऐसा मरवा दिया। और उन्होंने राजा के सामने कबूल कर लिया। तो राजा को उन्होंने कहा, आशीर्वाद देता हूँ माँ, वो गलत मुझ पर से हट गया। जब मुझ पर से हट गया कहा, तो राजा को पता चला कि वो यही मेरा पुत्र है। उसने पूछा कि तुम्हें ये हाथ पैर कहाँ से आए, वो तो काट दिए गए। तो कहते हैं कि मैं नाथ सांप्रदाय के गुरु से जो जंगल में बैठे हुए हैं उनके पास से दीक्षा लिया, उन्होंने मुझे बचा लिया है और मैं वहां से यहाँ आया। तो माता वहां से गिर गई और राजा ने कहा, इस माता को आप जंगल में लेकर डाल दो। तो उन्होंने कहा, ऐसा मत करना, उनको मेरे गुरु के चरणों में लेके आना, वो जो कहते हैं वैसा करना। अपनी सो माता को लेकर वे वहां गए। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि तुम्हें नमस्कार करने के अधिकार भी तुम्हें नहीं, फिर भी तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि इसने कहा उसके चार पैर काट देने के बाद रखा था, इसलिए उसका नाम चौरंगी नाथ रखा गया। अब जानते हैं नाथ संप्रदाय में ये संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय में जो धुनी जलती है, उस धुनी में इतनी श्रेष्ठता होती है कि उस धुनी को जलाने का एक विशिष्ट मंत्र है। उस विशिष्ट मंत्र के साथ आज भी हम गिरनार जाएंगे, समझो वहां भी गोरक्षनाथ की जली हुई ध्वनि वहां है, आज भी जलती है, लेकिन उसका भस्म बहुत हम लोगों को देते हैं। फिर भी पूछने पर उस ध्वनि कितने श्रेष्ठता है, आप एक महीना में बिना खाए पड़े रहो, आप उस ध्वनि को भस्म को अगर आप लगा लेते हैं तो आप उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो उस ध्वनि में उतनी शक्ति है, ऐसी सिद्ध लोग आज भी हमारे भारत में। आप कहीं नाथ संप्रदाय में सूफी पंथ से हमने देखते हैं कि एक ध्वनि शिरडी के साई बाबा ने भी जलाई, आज उस ध्वनि का भी भस्म लोग लेकर चलते हैं। वो भी सूफी संत या कबीरदास जी, इन सब नाथ संप्रदाय के लोगों से उन्होंने वो दीक्षा ली, जो भगवान को केवल शिव को मानते थे, प्रकृति को नहीं मानते थे, माया को नहीं मानते थे। जैसे कबीरदास जी ने कहा, माया महापापिनी फांदले बैठिया सब जग दे पड़ा मैं गया कबीरा का, माया फांसियां लेकर बेचने के लिए बैठी हुई और सब जग उस फांसियों को खरीदता रहा, लेकिन मैं मेरी गुरु कृपा के साथ कारण मैंने उस फांसी को नहीं खरीदा और मैं अपना सर काट लिया लेकिन फांसी नहीं डाल लिया, मैं माया को जीता हूँ। और ये माया को जीतने की क्रिया जो है वो सिद्ध लोग बताते हैं, और ये सिद्ध लोग जब ये बताते हैं तो आपका ही कल्याण नहीं, हजारों लोगों का कल्याण करने की क्षमता आप रखते हैं। और वही सिद्धार्थ, वही वहां के सिद्ध लोगों को सिद्ध पुरुष कहा गया। हम आज उस गोरक्षनाथ की ध्वनि को कांचनजंगा के पास पूर्ण हिमालय में, जहां पूरा हिम पड़ा है, ठंडी है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि आज वहां आग तो नहीं दिखती, लेकिन बस आज वहां भी गर्म गर्म भस्म वहां रहता है और ध्वनि को देने के लिए साधु संत जाते हैं। ये बात अलग है, मैं अभी आपको जिस आगे समय बताया कि जिस जो जवान हो जो मेरे साथ चलते हुए आए, मैं आज भी बात कर रहा हूँ, जो जवान है वो उस भस्म की ध्वनि लेके गया है, नहीं तो बाकी लोग कार में बैठ जाए और ध्वनि लाए तो भस्म लगाए। आप में वो शक्ति आए, आप में वो श्रेष्ठता आए, आप सिद्धार्थ में मार्ग पर चले, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। आपके जीवन में मैं इतनी बात कहता हूँ, अगर मैं प्रभु की सद्गुरुदेव की स्थापना में कर रहा हूँ और आज 20-25 साल से कार्य कर रहा हूँ, तो आपको भी कभी नहीं छोड़ूंगा, असमर्थ नहीं छोड़ूंगा, सामर्थ्य आप मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे आपकी बात है, लेकिन ले जाने का प्रयत्न जरूर करूंगा। और मेरा अंतिम समय तक भी यही कार्य रहेगा कि आपको प्रभु सद्गुरुदेव जी के दर्शन करवाऊंगा इस जन्म में ही, और सिद्धार्थ की बात उनके सामने रखूंगा, प्रभु जी ने आपका मंत्र जप किया है, ये आपको मानते हैं, आप इनका उद्धार करें, आप इनको सिद्धार्थ दे जाए और इनका उद्धार करें, ये बात जरूर कहूंगा। ये मैं इस मार्ग को लेकर चल रहा हूँ, जरूर कहूंगा। जो लोग अपने आप को उन सिद्धों के साथ मिलना चाहते हैं, उन सिद्धि को आज कह रहा हूं, आज
गिरनार पर्वत कहा, कल कांचनजंगा कहा। विचित्र बात तो यह है कि मैंने जब कांचनजंगा के बारे में मेरे भाई दत्तू से पूछा तो बोला भैया मैं पहले जाके देख के आता हूँ। वो जाके देख के आया कांचनजंगा में, जहाँ कांचनजंगा के पर्वत के नीचे जहाँ पूरा बॉर्डर लगता है तिब्बत का, चाइना का, पाकिस्तान का, ऐसी जगह ये सिक्किम का जो स्थान है कांचनजंगा, वहाँ तो पूरा मल्टीपुर सदर। हम जिस बागडोगरा नाम के एयरपोर्ट पर उतरते हैं या जलपाईगुड़ी नाम के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से 6 घंटे कोई भी वाहन है वहाँ से कांचनजंगा, जहाँ कांचनजंगा के पर्वत के नीचे जाते हैं ये स्थान। तो कहा भैया तू भी क्या चिंता, बैठे बैठे जगह वो बहुत कठिन जगह है, वहाँ जा नहीं सकते। अरे कठिन जगह है तो क्या करेंगे, मेरे को तो मेरे गुरु की आज्ञा के अनुसार मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ मेरे गुरु का मिलन करना ही है। वहाँ के गुरु जी ने कहा था तो वहाँ आ जा, मैं तुझे दर्शन दूंगा, ऐसा गुरु जी का वचन है मुझे दिया हुआ, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, गुरु जी ने मुझे स्वामी बनाऊंगा। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 50 लोग से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो यह याद रखना मैं वहाँ रोज बात करके आता हूँ। तो वहाँ जब वो गया तो एक मारवाड़ी धर्मशाला है, उस धर्मशाला में जाकर बात करके आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आएंगे, हम 19, 20, 21 वहाँ गुरु जन्म दिवस मनाएंगे और हम चले आए। बाद लास्ट नवंबर में वो जाकर आया था, दिसंबर जनवरी का धीमा धीमा एक बात का प्रचार होते गया कि गुरु जी कांचनजंगा में इस बार गुरु जन्म दिवस मना रहे हैं। मुझे पता है परसों उस्मानाबाद में शिविर को गया हूँ और उस्मानाबाद में जाकर मैंने कहा कि अभी ये तो गिरनार पर्वत की साधना है, गुरु जी हम गिरनार पर्वत में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कांचनजंगा के लिए उस्मानाबाद में 150 लोग ट्रेन का टिकट बुक करे हैं और 50 लोग एयर का टिकट करे हैं, 200 लोग तो हम उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मैं उड़ीसा वालों को पूछा तो बोले गुरु जी हम 50 लोग तो आई रहे हैं, बाद में छत्तीसगढ़ वालों को पूछा तो गुरु जी हम 50 से 100 आ रहे आई रहे हैं। अरे मैं बोला अरे तो देखा 25 बोला यार यहाँ 200, 300, 400 हो जा रहे हैं। बोले भैया तेरे को मालूम नहीं, व्हाट्सएप पे मेरे को रोज ऐसे 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 मैसेजेस आ रहे हैं कि हम गुरु दीक्षित नहीं है। मैं पहले क्या कहता निखिल जैन का क्या हो या नहीं हो, कोई भी हो तो ला ले, कोई भी हो तो आ जाने दे भाई, तेरे को क्या करना है। बाद में जो व्हाट्सएप पे आए तो बोले हम निखिल जैन का क्या से नहीं जुड़े हुए, हम दूसरे गुरु से जुड़े हुए, हम कांचनजंगा आ सकते हैं क्या, आप मुझे अभी क्या कहना पड़ रहा है, केवल निखिल चेता के लोग जुड़े हुए वही लोग आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं, क्योंकि रश बढ़ते जा रहा है। अब रश बढ़ते बढ़ते अभी के हिसाब से 500 हो गया है, अरे उतने जगह में अब उतने हैं, इसके पास हम क्या करेंगे। बोले गुरु जी हमारे पास पैसा भी हो, हमारे पास फ्लाइट का टिकट भी हो, सब हो, लेकिन हम अगर वहां जाएंगे दर्शन भी लेंगे, लेकिन सबसे मजे की बात यह है आपके साथ जाएंगे तो जो मजा है वो हमारे अकेले जाने में, पत्नी के साथ जाएंगे तो कोई मजा नहीं, हम तो चाहे कुछ भी हो आप ही के साथ आए। अब बात ये हुई कि अब 500 से करीब करीब लोग हैं, अब ट्रेन वाले फ्लाइट वाले परेशान है कि ये क्या हो रहा है, कांचनजंगा सिक्किम क्यों जा रहे हैं लोग, 19, 20 को क्यों जा रहे हैं वो लोग, ये इसके पीछे जा रहे। तो उन्होंने बोला एक शिविर होने वाला है। बाद में हमारे किसी दोस्त के साथ मैंने किसी को परिचय व्यक्ति के साथ कहा कि भाई देख कितने लोग आ रहे हैं, हमारा क्या वहाँ इंतजाम होगा या नहीं होगा कुछ तो देख ले। तो उसने क्या कहा, गुरुजी आप बेफिक्र हो, वहाँ का गवर्नर जो है वो एकदम मेरा दोस्त है, मैंने उसको कह दिया कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं उसका इंतजाम देख लेना, यानी मैं मेरे गुरुजी पर इतना विश्वास करता हूँ कि मेरे जाने से पहले वो इंतजाम करके रखते हैं। और वहाँ उन्होंने और वहाँ के कलेक्टर ने उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी आने दो, किस प्रकार की कमी नहीं होगी। अब मुझे प्रश्न पड़ गया है कि यहाँ मैं 25-30 लोगों की बात कर रहा था, अभी तक तो 500 हो गए हैं, आगे क्या होने वाला है पता नहीं, और नेपाल के साथ है और वो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े नहीं, हम आ सकते हैं क्या। मैं बोला कोई नहीं आ सकते, क्यों तो चेता करके लोग आ रहे, ऐसा क्यों कहते हो, अरे यही लोग पड़ गए हैं, तुम लोग आ गए ये तो मेरा क्या हाल होगा, वहाँ किस तरह का इंतजाम होगा। लेकिन वो सब लोग हमारे खर्चे पर हम आते हैं, आपको तकलीफ नहीं देंगे, हम आते हैं। अब क्या कहेंगे, मैं ये बात कहता हूँ क्या गुरु कृपा है, तो जिस चीज की चिंता कर रहा था कि वहां कोई नहीं आएंगे, ऐसी जगह भी लोग आने के लिए तैयार हैं, ये मेरे प्रसन्नता की बात है। और ये मैंने कहता कि उनमें जो उदय हो रहा है वो मैं नहीं, गुरु जी उनके हृदय में बैठकर बात कर रहे हैं कि हम दीदार करके उन योगियों को देखने के लिए और गुरु जी को देखने के लिए हम आए, आना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है, आप सिद्धाश्रम को दर्शन के योग को देखना चाहिए। मैंने अगर एक कदम आगे बढ़ाया है तो आप मेरे साथ अब एक कदम आगे डालो, हम
हमारे दोनों को हाथ पकड़कर गुरुजी सिद्धार्थ में ले जाएंगे कि अपने विश्वास आप सभी का कार्यक्रम हो। हम जिस चीज के लिए जन्म लिए हैं, जिस उद्देश्य गुरुजी सिद्धार्थ परिवार की स्थापना किए, उस उद्देश्य को पूर्ण करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैंने आज के दिन ये सिद्धार्थ प्राप्ति साधना, जो भी साधना को करेगा और इस यंत्र माला को अपने पास रखकर, चाहे कंचनजंगा हो या चाहे गिरनार पर्वत पर आएगा, वह जरूर देखेगा कि उसको उन सिद्धों का दर्शन हो। और वो अपने जीवन में, मैं इतने विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके साथ जब तक जीवंत रहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका शरीर काष्ठ और कायाकल्प वाला शरीर कहलाया जाएगा, लेकिन आना आपका कर्तव्य है, वहां तक पहुंचना आपका कर्तव्य है, आपके शरीर को कायाकल्प करना मेरी जिम्मेदारी। मैं वहां पूछूंगा सिद्धों को कि मेरे लोग इतने आए, इनका शरीर के कायाकल्प करो। और जब शरीर का कायाकल्प होता है, हम पहाड़ को भी उठाएंगे या सोने को भी आपके हाथ में लाएंगे, या पैसा तो अपने हाथ के सामने नाचेगा। जब तक बीमार है तब तक साधना नहीं होगी। अभी मैं साधना करता हूँ, गुरुजी घूटने लगते रहे, कुछ में बैठ के साधना कर सकता हूँ क्या? वहां तक ठीक है। एक आदमी पूछा, गुरुजी बैठ के भी साधना में पीठ बोल करते रहे, सो के साधना कर सकते हैं? अच्छा, मेरे गोद में बैठ के साधना करना बहुत क्या स्थिति यहाँ तक पहुंच गई, स्थिति यहाँ तक पहुंच गई। अब मैं इनको ऐसे लोगों को मैं कंचनजंगा कहाँ ले जाऊं, हैदराबाद तक लेके नहीं जा सकता। इसलिए कहता हूं कि आपके शरीर का कायाकल्प, कोई कहता है मुझे शुगर है, कोई कहता है मुझे घुटने दर्द है, कोई कहता है मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कोई मैं ज्यादा देर चले तो चक्कर आ गई, अरे ये सब आते हैं उस ऐसे भी जाने के लिए तुम्हें माने जा रहा। तुम प्रयत्न तो करो, तुम्हारे शरीर का कायाकल्प होगा या नहीं होगा आप देखना, केवल उंगली पकड़ कर चलो। और मेरे हाथ को अगर गुरु ने थामा है तो मैंने आपको उंगली थामा है, तो हमारे दोनों का हाथ गुरु पकड़ कर आगे ले जाएंगे और हम सिद्ध करेंगे। इसलिए तब आंखों में आंसू आए, घूम के बड़ा साहेब बहुत यानी बहुत गर्मी से आई, एक बर्तन बेचता लेकिन 450 किलोमीटर हर बार 400 से 500 लोगों को लेकर गुरु पूर्णिमा को आता है। वो पहला ऐसा व्यक्ति तो है, जब मैंने कंचनजंगा को के बारे में अनाउंस कर दिया तो उसने कहा कि गुरुजी कंचनजंगा को मैं आ रहा हूँ, चाहे मेरे को घर को बेचना पड़े, मैं मेरे पत्नी और बेटे के साथ आ रहा हूँ। मैंने बताया उसके पास पैसे नहीं, लेकिन जब कल उस्मानाबाद गया था तो उसने कहा गुरुजी मेरे साथ 30 लोग कंचनजंगा आ रहे हैं। उसने कितना मोटिवेट किया होगा और उसको कितनी निष्ठा होगी। वह आदमी जिसके पास केवल बर्तन बेच के जीता है, उसने भूम में अपना घर बना लिया, साधकों के लिए घर बनाया, हर साधक को घर बनाने से वो हेल्प करता है। और उसके साथ हर गुरु पूर्णिमा को कम से कम 400 लोग चलते हुए 450 किलोमीटर चलाते हैं, तो गुरु निष्ठा है। मैं उसकी पीछे से तारीफ कर रहा हूँ। इसके बाद जब उसने कहा उसके पास रुपया नहीं है, वो दिन तक दिन को बर्तन बेच के जीता है, वो कहता है मैं 30 लोगों को लेकर कंचनजंगा आपके साथ आता हूँ, तो फिर हमें लेके जाने वाला या हम कभी भी जाएंगे नहीं, जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे, देखेंगे तो आपके साथ देखेंगे, और कुछ भी मिला तो आपके साथ मिल सकता है, हमारे साथ पैसा मिले तो नहीं आएगा। तो ऐसे निष्ठावान साधक भी है जो कभी पैसों की चिंता नहीं करते, और मेरे पास पैसे वाले भी जिनके पास चार चार गाड़ियां वो फ्लाइट से क्या और कहीं से भी आ सकते हैं, उनका कहना क्या है मन कुछ वहाँ ठंडी बहुत होती है ना, बहुत ठंडी हिमालय में ठंडी तो होगी होगी, नहीं मुझे मेरे को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, फिर मैं क्या करूँ? नहीं फिर उसके मैं सोच रहा हूँ कि गुरु जी आप यहाँ आने के बाद वहाँ से धुनी का वसूलने क्या मैं लगा दूंगा पैसा, ये पैसे वालों का कहना है। आप ऐसा करो ना, कुछ गुरु जी जरा शुगर है मेरे को, चल नहीं सकता, मैं फ्लाइट से आ सकता हूँ गुरु, लेकिन वहाँ से 6 घंटे बस में जाना पड़ता है, मेरे को हर 1 घंटे को भूख लगती है, अब मैं गाड़ी में चलते भूख कैसा करूँ? मैं बोला तेरे भूख का इंतजाम करता हूँ भाई, तो आया मैंने भूख का इंतजाम करते हैं, भूख के बाद भी दूसरी भी चीजें हैं ना गुरुजी, वो रोड पे काम कर सकते हैं आप, उसके लिए इंतजाम तो मैंने कर सकता। इस प्रकार अपने कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं वगैरह को कि उनके उनके कारण बताते हैं कि हम नहीं आ सकते आ सकते। तो जहाँ निष्ठा है वैसे देखा जाए तो मैं भी एक गरीबी से ही आगे आया हूँ, एक गरीबी से आगे चल रहा हूँ, लेकिन जिस निष्ठा के साथ गुरु का कार्य करते हुए चल रहा हूँ, उस निष्ठा के साथ आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आपको लेकर चलना मेरा कर्तव्य है और आपको लेकर चलूंगा। एक
जोड़ी आई मेरे पास उत्तर प्रदेश से कल, वो लंदन में रहता है, आए उनके पत्नी और बच्चे आए। बोले गुरु जी लंदन में एक 10 साधक है जो पहले गुरु से जुड़े हुए हैं और अपने कांचनजंगा का ट्रिप निकाला है, हमने सुना है, गुरु जी हम भी आना चाहते हैं। मैंने आपने दीक्षा ली, मैंने कहा दीक्षा ली है गुरु जी, तो गुरु मंत्र नहीं कहते, फिर बोला गुरु जब मंत्र नहीं कहते दीक्षा नहीं ली तो कई बात है। गुरु जी वहाँ अच्छा पिकनिक का स्पॉट है सुनाया हमने उसकी आपने, धन्य है मेरा जीवन तुम्हारे जैसे को भी लेकर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। बोला पिकनिक स्पॉट के लिए मैं जा रहा हूँ, वहाँ साधना के लिए जा रहा हूँ। आप नहीं गुरु जी आप साधना करते रहो, हम भूख के आते हैं, मेरे साथ क्या है बाल में भूख के आ सकते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं। गुरु जी डर लगता है वहाँ के लिए जाने से, लोग कुछ खत्म करके इसलिए आपके साथ आना नहीं, मेरे साथ आना चाहते हैं साधना करने के लिए आओ। अरे मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ, ऐसे भी लोग मेरे सामने आना चाहते हैं लेकिन पिकनिक के लिए। अब मैं साधना के लिए साधना शिविर बना रहा हूँ या पिकनिक बना रहा हूँ आप समझे, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि निखिल चेतना केंद्र का जुड़ा हुआ निखिल चेतना केंद्र की चादर पहना हुआ मेरे साथ वहाँ आएगा और उसको मैं पूर्ण रूप से मेरे साथ ले जाऊँगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी, बाकी के पिकनिक वालों के लिए और दूसरे वालों के लिए जिम्मेदारी होगी मेरा उसके साथ ले खाना खिलाऊंगा आए तो वो बात अलग है, लेकिन जो गुरु मंत्र करता है जो गुरु दीक्षा लेता है उसको वो साधनाएं संपन्न करवाऊंगा और उस गोरक्षनाथ की ध्वनि को हम जरूर चलते जाएंगे एक दिन के लिए, क्योंकि वहाँ 19-20-21 दिन वहाँ रहने वाले हैं। अगर आपको उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो दत्तू भैया को भी 15 मिनट के लिए बताने की बात करता हूँ, कौन सी ट्रेन जलपाईगुड़ी या बागडोगरा, बागडोगरा का एयरपोर्ट है और जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से व्हीकल्स भी दत्तू भैया ने कहा कि अरेंज करनी है, 19 के दिन सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से 6 घंटे का रन है जो हम स्पॉट में एकदम कंचनजंगा पर्वत के नीचे ही वहाँ जाते हैं जहाँ गौरी कुंड है, जहाँ अनंत शिला कंचन शिला नाम के जहाँ गुरु ने बैठकर साधना की थी और उर्वशी को सिद्ध किया था, उसे अनंत शिला कहा जाता है, वो शिला भी वहीं है और गोरक्षनाथ की ध्वनि भी वहाँ है जहाँ गोरक्षनाथ में उस ठंडे हिमालय के अंदर ध्वनि को जागृत किया था और वो आज भी चलती हुई ध्वनि वहाँ है। ऐसे स्थान जहाँ कल्पवृक्ष में महा बाबा अवतार योग अवतार भी वहाँ आकर अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसे स्थान है, ऐसे स्थानों को जाने के लिए कभी कभी आता है जिसका भाग्य हो आएगा नहीं हो, मेरे को आपको जबरदस्ती आने की बात नहीं है, आपके मन से आपको दिल लगता है तो आएंगे, लेकिन जो आना चाहते हैं वो लोग जरूर आज ये सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना को संपन्न करें, उस यंत्र को अपने पास उस मार्ग को अपने पास रख लें। यह सिद्धाश्रम की साधना एक न एक दिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको सिद्धाश्रम पहुंचने और सिद्धों को देखने का सिद्धों की कृपा प्राप्त करने का अवसर जरूर देगी ये साधना जो आज संपन्न करेंगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस साधना संपन्न करके यंत्र आपके पास रख लेंगे और सिद्धों की कृपा प्राप्त कर निरोगी काया को कायाकल्प करके फिर आप जियेंगे, ना आपको घुटने का दर्द होगा ना सर का दर्द होगा ना और किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी होगी आपके शरीर में, ऐसी ही साधना ये सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना आपको अभी मेरे सामने ही संपन्न करवा रहा हूँ और इसकी 101 आहुतियाँ भी है, उसकी आहुति यहाँ से गिरवाऊंगा और उसके बाद गुरु आरती संपन्न करवाऊंगा। यह साधना उनके लिए जो गुरु जी के लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं उन लोगों के लिए साधना करवाना चाहता हूँ। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, रुक्मिणी माता जी की जय, गुरु पुत्र गुरुदेव की जय, सिद्धाश्रम की जय, सिद्धाश्रम सारे परिवार की जय, हर हर महादेव। 20 मिनट का समय देता हूँ आप सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना लेकर यहाँ जाओ तब तक भजन सुनाएंगे और उसके बाद साधना संपन्न यही साधना संपन्न करवाऊंगा और उसके आहुति भी दिलवा दूंगा आप सभी को और साधना संपन्न करवा दूंगा। आशीर्वाद।